हेलो एवरीवन, आज मैं पकाने वाली हूँ बैंगन के पकोड़े। तो ये हमने बैंगन को लेकर के धो के साफ करके पतले पतले टुकड़े में काट लिया है। ये बैंगन है हमारा, और उसके लिए ये बेसन और ये नमक है, लाल मिर्ची पाउडर, हींग है, ज़ीरा, और ये है अजवाइन, हल्दी। तो ये बैंगन का पकौड़ा है, इसके लिए मैं हींग अजवाइन भी ली हूँ। वैसे तो पकौड़े में ये सब चीज़ें नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ये बैंगन थोड़ा बादी होता है इसलिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये सब चीज़ों को इसमें मिक्स करूँगी। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही मिलाना है। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, इसको थोड़ी देर और मैं इस तरह से फेंट लूँगी। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, और हमने कढ़ाई में तेल भी रख दिया गर्म होने के लिए। अब मैं तलना चालू करती हूँ। इसको इस तरह से डिप करके बाहर निकाल के तेल में डालना है। तेल नहीं गर्म हो लगता है। इसको दोनों तरफ से उलट पलट के इस तरह से तल। ये देखिए मेरे ये भजिए दोनों तरफ से तैयार हो गई है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अगर जो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप बड़े आसानी से देख सकें। ये देखिए मेरा बैंगन का पकौड़ा तैयार हो गया है, और बहुत ही इजी तरीके से बना है। एक बार आप भी इस तरह से ट्राई करिए, बनाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। और इसको प्याज और मिर्ची के साथ सर्व करें, या फिर ग्रीन या फिर चिल्ली के साथ। ओके, थैंक यू।